की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं। छतगण, विगत कक्षाओं में भक्ति आंदोलन का समापन और सूफी आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने की थी। सूफी आंदोलन के तहत चिश्ती संप्रदाय के बारे में आप जान रहे थे छतगण, निजामुद्दीन औलिया साहब के बारे में, उसी को आगे बढ़ाएंगे। छतगण निजामुद्दीन औलिया में ही लिखेंगे, इन्हें महबूब ए इलाही, निजामुद्दीन औलिया में ही लिखेंगे छतगण, इन्हें महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य, निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य अमीर खुसरो थे, निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो थे, खुसरो थे। नेक्स्ट, निजामुद्दीन औलिया के अन्य प्रमुख शिष्य शेख सलीम चिश्ती थे, शेख सलीम चिश्ती थे। नेक्स्ट, सूफी सिलसिले को एवं चिश्ती संप्रदाय को उत्तर भारत से दक्षिण भारत ले जाने का कार्य, ले जाने का कार्य बुरहानुद्दीन गरीब, बुरहानुद्दीन गरीब ने किया था, बुरहानुद्दीन गरीब ने किया था। इन्होंने दक्षिण भारत में दौलताबाद को अपना मुख्य केंद्र केंद्र बनाया था, मुख्य केंद्र बनाया था। नेक्स्ट लिखेगा ख्वाजा गेसू दराज, ख्वाजा गेसू दराज, गेसू दराज लिखे, इन्हें बंदा नवाज, नवाज भी कहा जाता है, बंदा नवाज भी कहा जाता है। ये दक्षिण भारत के गुलबर्गा से संबंधित थे, संबंधित थे। नेक्स्ट लिखेंगे छतगण, सुहरावर्दी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला के बाद छतगण, ये सब चिश्ती सिलसिले के संत थे। अब लिखिएगा सुहरावर्दी सिलसिला या संप्रदाय, लिखिए इस संप्रदाय के संस्थापक
बहाउद्दीन जकारिया थे। बहाउद्दीन जकारिया थे। इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट, सुहरावर्दी सिलसिले के संतों ने भारत में सिंध एवं मुल्तान को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। सिंध एवं मुल्तान को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। केंद्र बनाया था। नेक्स्ट, बहाउद्दीन जकारिया एवं सुहरावर्दी सिलसिले के संत चिश्ती सिलसिले के संतों के विपरीत विपरीत ऐश्वर्य एवं विलासिता में विश्वास करते थे। तथा धन संग्रह का भी कार्य करते थे। नेक्स्ट, बहाउद्दीन जकारिया स्वयं करोड़ों टंके, चांदी के सिक्के को कहा जाता है, करोड़ों टंके का स्वामी था। छात्रगण, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। भारत में सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहां था? सिंध और मुल्तान। सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? बहाउद्दीन जकारिया। कौन सा सूफी सिलसिला ऐश्वर्य विलासिता में विश्वास करता था? सादा जीवन उच्च विचार सादगी इनसे कोसों दूर थी सुहरावर्दी सिलसिला। कौन सा सूफी सिलसिला राजकीय संरक्षण में विश्वास करता था? सुहरावर्दी सिलसिला। छतगन इल्तुतमिश इस सिलसिले का संरक्षक था। छतगन, सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेखुल इस्लाम की तो उपाधि दी ही, साथ ही साथ बहाउद्दीन जकारिया करोड़ों टंके का स्वामी था। छतगन, करोड़ों रुपये इसके पास हमेशा रहते थे, करोड़ों टंके का स्वामी था। इसे भी आपको ध्यान रखना है, इसे भी मनन करना है, इसे भी याद रखना है, इसे भी स्मरण करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसलिए इस पर भी आपको पैने निगाहें रखनी होगी। पूछेगा कौन सा सूफी संत करोड़ों टंके का स्वामी था? बहाउद्दीन जकारिया। ये किस सिलसिले का था? सुहरावर्दी सिलसिले का था। छात्रगण ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सिलसिले का नाम लिखिएगा, नक्सबंदी सिलसिला। लिखिए, यह सिलसिला संगीत का विरोधी था। एवं
इस सिलसिले के द्वारा चिश्ती संप्रदाय के संतों द्वारा शुरू की गई गीत संगीत की परंपरा समा पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट, यह सबसे कट्टर सूफी सिलसिला था। नेक्स्ट, यह सिलसिला बाबर के समय प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, औरंगजेब इस सिलसिले का कट्टर समर्थक था। इस सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा बाकी विल्लाह थे। नेक्स्ट, इस सिलसिले के एक अन्य प्रमुख संत शेख अहमद सरहिंदी थे। चगन क्या सवाल है, गौर कीजिएगा। कौन सा सूफी सिलसिला सबसे कट्टर सूफी सिलसिला था? नक्शबंदी। बाबर और औरंगजेब किस सिलसिले के समर्थक थे? नक्शबंदी सिलसिले के समर्थक थे। नक्शबंदी सिलसिला का स्थापना भारत में किसने किया था? ख्वाजा बाकी विल्लाह ने किया था। छगन, गीत संगीत की परंपरा समा जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने शुरू की थी, बहुत ही उदार हृदय के थे, बहुत ही सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले व्यक्तित्व थे। छगन, गीत संगीत की परंपरा समा की शुरुआत करने वाले महान व्यक्तित्व, महान संत थे। कौन? उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। छगन, गीत संगीत की परंपरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने शुरू की, जिसे समा कहा जाता था, लेकिन नक्शबंदी सिलसिले के संतों ने गीत संगीत की परंपरा को बंद कर दिया, क्योंकि यह बहुत ही कट्टर थे। इनका मानना था कि इस्लाम में गीत संगीत का कोई स्थान नहीं है। छगन, औरंगजेब और मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर इसी सिलसिले के समर्थक थे। पूछेगा, शेख अहमद सरहिंदी नामक सूफी संत किस सिलसिले के संत थे? तो नक्शबंदी सिलसिले के। ख्वाजा बाकी बिल्ला किस सिलसिले के संत थे? तो नक्शबंदी सिलसिले के थे। बाबर और औरंगजेब किस सिलसिले के समर्थक थे? तो नक्शबंदी सिलसिले के समर्थक थे। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखेगा छात्रगण, अगले सिलसिले का नाम लिखेगा कादरी सिलसिला। कादरी, कादरी सिलसिला लिखे। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह इस सिलसिले का समर्थक था। नेक्स्ट, इस सिलसिले के संस्थापक अब्दुल कादिर थे।
चंदगन ध्यान रखेगा, पूछेगा कादरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, अब्दुल कादिर ने की थी। मुगल सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दादा सिकोह किस सिलसिले का समर्थक था, कादरी सिलसिले का समर्थक था। यह भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है छतगन, इस पर भी पहले निगाह रखनी होगी आपको। नेक्स्ट लिखेगा सत्तारी सिलसिला लिखे, इसके संस्थापक अब्दुल सत्तार थे। अब्दुल सत्तार थे इस सिलसिले की स्थापना लोदी काल में हुई थी। नेक्स्ट लिखेगा छतगन फिरदौसिया सिलसिला लिखे, यह सिलसिला बिहार एवं बंगाल में काफी लोकप्रिय था। नेक्स्ट, इस सिलसिले के सबसे प्रमुख संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी थे। इनका संबंध बिहार में पटना के निकट मनेर नामक स्थान से है। इनका मकबरा मनेर में है। छतगन ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जबरदस्त रूप से आता है छतगन, इसलिए आपको इस पर पहले निगाह रखनी होगी। फिरदौसिया सिलसिला मुख्य रूप से कहां पे प्रभावशाली था, बिहार और बंगाल में। इसके संस्थापक कौन थे, सरफुद्दीन याहिया मनेरी इसके मुख्य कर्ताधर्ता थे, इसके मुख्य संत थे सरफुद्दीन याहिया मनेरी, है ना। कहां के थे, बिहार में पटना के मनेर नामक स्थान से थे। इनका मकबरा भी मनेर में है, जहां पे हर वर्ष उर्स का आयोजन होता है, हजारों लाखों लोग उपस्थित होते हैं छात्रगण। मनेर के लड्डू भी काफी प्रसिद्ध हैं बिहार में, पटना के निकट मनेर नामक स्थान है। तो छात्रगण सरफुद्दीन याहिया मनेरी और उनसे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को भी आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये है छात्रगण सूफी सिलसिला और उससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलू। हर सिलसिले और उसके खासियतों के बारे में छात्रगण जानिएगा। सबसे कट्टर सूफी सिलसिला नक्शबंदी, सबसे उदारवादी सूफी सिलसिला चिश्ती, सादा जीवन उच्च विचार चिश्ती, ऐश्वर्य विलासिता राशि ठाटबाट में विश्वास सुहरावर्दी। तो ये आइडियोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं छात्रगण, इसलिए आपको इन सारे चीजों को याद रखना होगा। जितने भी संतों के बारे में लिखाए गए हैं, किसे गरीब नवाज कहा जाता है ना, किसे जो है महबूबे इलाही कहा जाता है, निजामुद्दीन औलिया साहब को गरीब नवाज किसे कहा जाता है ना, तो छात्रगण कहा जाता है गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को। तो ये सब चीजों आप यदि नहीं जानोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए सूफी आंदोलन से जुड़े हुए हर पहलू को छात्रगण आत्मसात करें, याद रखें और एक एक चीजों को गौर करें। अब छात्रगण हम लोग शुरू करेंगे सिख धर्म के 10 गुरु। छात्रगण सूफी आंदोलन के पश्चात
सिख धर्म के 10 गुरु, आप अपने नोट्स कॉपी में हेडिंग बनाइएगा। ये नए टॉपिक है जिसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। इससे भी क्वेश्चन हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस पर कमांड रखनी होगी, ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को याद रखना होगा। छठगण गौर करना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छठगण सिख धर्म के 10 गुरु में पहले गुरु जो सिख धर्म के संस्थापक थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग बनाइएगा गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, देखिए इनका जन्म 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाहौर के तलवंडी नामक स्थान में हुआ था, जिसे वर्तमान में ननकाना साहिब भी कहा जाता है। ननकाना साहिब भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इनके पिता कालू जी एवं माता सुलक्षणी थी। नेक्स्ट, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट, इन्होंने नानक पंथ चलाया था। इनका शिष्य मर्दाना सारंगी नामक वाद्य यंत्र काफी अच्छा बजाता था। नेक्स्ट, गुरु नानक देव बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। इन्होंने लंगर बैकर में लिखेगा, एक पंक्ति में बैठकर भोजन करना, पंगत एवं संगत प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, गुरु नानक देव द्वारा रचित ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। इनके मृत्यु 1538 में हो गई। नेक्स्ट, दूसरे गुरु का नाम लिखेंगे छठगण, गुरु
अंगद देव, अंगद अंगद देव लिखेंगे। इन्हें गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक कहा जाता है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 लिखेंगे, गुरु अमरदास, गुरु अमरदास दास। लिखिए, ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट नंबर 4 लिखेंगे, गुरु रामदास। लिखे, ये अकबर के मित्र थे, इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की। शहर की स्थापना की अकबर ने इन्हें अमृतसर में 500 बीघा जमीन दान में दी थी, जहां इन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, नेक्स्ट नंबर 5, गुरु अर्जुन देव। देखिए, इन्होंने स्वर्ण मंदिर के निर्माण को पूरा करवाया था। नेक्स्ट, इनके प्रवचन या उपदेश देश गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ को अंतिम रूप से संकलित किया था। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहिब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट
गुरु हरगोविंद इन्होंने सिखों को पहली बार सैन्य शिक्षा प्रदान की। इन्होंने सिखों का सैन्य संगठन बनाया तथा अकाल तख्त एवं प्रभु के सिंहासन की स्थापना की। इन्होंने सिखों को लवाकू जाति में बदला था। इन्होंने तलवार, धारण किया था। नेक्स्ट, अगले गुरु का नाम लिखेगा हर राय। ये सिख धर्म के सातवें गुरु थे। इन्होंने दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था। नेक्स्ट, गुरु हरकिशन लिखे, ये प्रथम बाल गुरु थे। बाल बचपन में गुरु बन गए थे, अल्पवयस्क गुरु बाल गुरु थे। इनकी चेचक के कारण मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, गुरु तेग बहादुर, नाइन्थ नंबर तेग बहादुर। देखिए, मुगल सम्राट औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम स्वीकार करने का दबाव बनाया, परंतु इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में इनकी हत्या करवा दी। इनकी याद में दिल्ली में सीसगंज गुरुद्वारा सीसगंज गुरुद्वारा स्थित है। नेक्स्ट, दसवें और अंतिम गुरु लिखेंगे छात्रगण, गुरु गोविंद सिंह। देखिए,
इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था, पटना में हुआ था। नेक्स्ट, इन्होंने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, इन्होंने सच्चे सिख के लिए 5 क अनिवार्य बतलाए थे, नंबर 1 केस, नंबर 2 कंघा, नंबर 3 कच्छा, नंबर 4 कड़ा, नंबर 5 कृपान। नेक्स्ट, औरंगजेब ने इनके 2 पुत्रों फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह की दीवार में चुनवाकर हत्या करवा दी थी, नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। नेक्स्ट, इनके द्वारा औरंगजेब को लिखे गए पत्रों का संग्रह जफरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी, नेक्स्ट, इन्होंने घोषणा की थी कि इनके पश्चात गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ ही सिखों के गुरु के रूप में पूजा जाएगा, तथा इन्होंने गुरु का पद समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान में गुल खां नामक व्यक्ति ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी।
हत्या कर दी। नेक्स्ट, इनका समाधि स्थल नांदेड़ में है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा पादशाह कहा था। यह है छतगण सिख धर्म के 10 गुरु और उससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलू, जिसे आपको ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा, याद रखना होगा, स्मरण करना होगा, एक एक चीजों को छतगण याद रखना होगा। छतगण, गुरु नानक देव से जो आपका सफर शुरू हो रहा है वो गुरु गोविंद सिंह में आकर समाप्त हो रहा है। छतगण, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। कब जन्म हुआ? 1469 ईस्वी। कहां? लाहौर के तलवंडी नामक स्थान में। वर्तमान में क्या कहा जाता है? ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है छतगण लाहौर का तलवंडी नामक स्थान। प्रत्येक सिख की अभिलाषा होती है कि वह जीवन में एक बार अपने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के जन्म स्थान जाए और वहां जाकर के दर्शन प्राप्त करे, अपने जीवन को सुधारे, भाग्योदय को प्राप्त करे। छतगण बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आपको इस पर भी पैनी निगाह रखनी होगी, इसे भी ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा। छतगण, गुरु नानक देव ने लंगर, पंगत और संगत प्रणाली की शुरुआत की थी। संगत यानी धर्मशाला, पंगत यानी एक पंक्ति में बैठकर भोजन खाना, लंगर यानी निःशुल्क भोजन, है ना, इसकी शुरुआत की थी इन्होंने, ध्यान रखिएगा। छतगण, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना इन्होंने की थी, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। छतगण, सिख धर्म के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव, जिन्होंने सिखों के गुरुमुखी लिपि, सिख लिपि को क्या कहा जाता है? पंजाबी लिपि को छतगण गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि की का जन्मदाता कहा जाता है सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव को। तीसरे गुरु थे छतगण गुरु अमरदास। चौथे गुरु थे गुरु रामदास। रामदास की क्या खासियत थी छतगण? गुरु रामदास ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, अमृतसर शहर की स्थापना की थी, अकबर के मित्र थे। अकबर ने 500 बीघा जमीन स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अमृतसर में इन्हें दान में दिया था। छतगण, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगण, गुरु रामदास के पश्चात आते हैं गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ को अंतिम रूप से संकलित किया था तथा हरमिंदर साहिब की स्थापना की थी। इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को के निर्माण को पूरा करवाया था। गुरु रामदास ने नींव डलवाई थी लेकिन पूरा करने का कार्य किया था गुरु अर्जुन देव ने। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे छात्रगण, सिखों के पवित्र अमृतसर मंदिर, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो गुरु रामदास ने। इसे पूरा किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। जिस प्रकार छात्रगण कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसे पूरा करवाया था कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने, जो मैं बता चुका हूं, ठीक उसी प्रकार से छतगण नींव डाला गया था किसके द्वारा? छतगण, गुरु रामदास के द्वारा। लेकिन पूरा करवाने का श्रेय किसे है? गुरु अर्जुन देव को है, ध्यान रखिएगा। छतगण, गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ को अंतिम रूप से संकलित किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव को की हत्या किसने करवा दी थी? जहांगीर ने, क्योंकि इन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद की थी, ध्यान रखिएगा। छतगण, छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद, जिन्होंने सिखों को लड़ाकू जनजाति के रूप में विकसित किया, अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को एक सैन्य जो है जाति के रूप में विकसित किया था गुरु हरगोविंद ने, ध्यान रखेंगे। छतगण, उसके पश्चात गुरु हरराय आए। हरराय के पश्चात हरकिशन जो कि प्रथम बाल गुरु थे, चेचक सेन की मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर नौवें गुरु थे जिनकी मृत्यु, जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी। इस्लाम कबूल करने को कहा, इन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा। दिल्ली के चांदनी चौक में हत्या करवा दी गई और शीश को लटका दिया गया, इसलिए इन्हीं के नाम पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली के चांदनी चौक में है, ध्यान रखें। छतगण, अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। छतगण, गुरु गोविंद सिंह जी की क्या खासियत है उसे भी ध्यान रखिएगा। इनका जन्म पटना में हुआ था। छतगण, गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की थी वैसाखी पर्व के दिन।
ध्यान रखेंगे। छतगन गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी और कहा था कि सच्चा सिख के लिए पांच का अनिवार्य है, केस, यदि तुम सच्चे सिख हो तो कभी भी केस पर कैंची नहीं चलेगी, इसलिए सिख लोग पगड़ी मानते हैं। दूसरा इन्होंने कहा था कंघा, चूंकि कंघे की भी जरूरत होगी। तीसरा इन्होंने कहा था कच्छा, अंडर पैंट। चौथा इन्होंने कहा था कवा, जो स्टील का पहनते हैं हाथ में, है ना। और पांचवा इन्होंने कहा था कृपान, जो छोटी भुजाली सिख लोग रखते हैं सुरक्षा के लिए, छोटी भुजाली, है ना, छोटी सी एक, जो आप उसे कह सकते हैं चाकू, है ना। तो छतगन, पांच का किस सिख गुरु ने अनिवार्य बतलाए थे? गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के लिए पांच का अनिवार्य बतलाए थे। छतगन, किस सिख गुरु का जन्म बिहार के पटना में हुआ था? दसवें और अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी के। गुरु गोविंद सिंह जी के आत्मकथा का क्या नाम है? विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को पत्रों का संग्रह लिखा था, इसे क्या कहा जाता है? जफरनामा। ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन, गुरु गोविंद सिंह के दो नौनिहाल पुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को औरंगजेब ने दीवान में खवा करके चुरमा दिया था। छात्रगण, अत्यंत ही दुखद घटना, गौर करेंगे इसे भी। छतगन, 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान में इस महान व्यक्तित्व की मृत्यु हत्या कर दी गई। छतगन, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी थे और इन्होंने सिख धर्म में एक आमूल चूल परिवर्तन लाया था और मुगलों के साथ इनकी टकराहट लगातार चली थी। गुल खाना नामक व्यक्ति ने 1708 में नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी और सिख धर्म के इस महान गुरु, दसवें और अंतिम गुरु ने घोषणा कर दी कि मेरे बाद गुरु का पद समाप्त होता है, अब गुरु ग्रंथ साहिब ही सिख धर्म के सच्चे गुरु हैं, इसलिए आप जब भी गुरुद्वारे में जाइएगा तो वहां को गुरु ग्रंथ साहिब मिलेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब वहां पे मौजूद हैं। ध्यान रखिएगा छतगन, छतगन गौर कीजिएगा, सिख धर्म के दसवें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बाद गुरु का पद समाप्त कर दिया गया था, है ना। तो छतगन, गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के दसवें और अंतिम गुरु थे, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा और एक एक पहलुओं को गौर करना होगा, एक एक पहलुओं को याद रखना होगा। इनका समाधि स्थल कहाँ है छतगन? महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा, नांदेड़ में स्थित है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है छतगन, सिख धर्म के 10 गुरु और उससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलू जिस पर आपकी पैनी निगाह रखनी होगी। एक एक चीजों को ध्यान रखना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा। इसके पश्चात छतगन हम लोग किसी नए अध्याय की ओर प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को मेरी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।